कहता हूं तो मैं आप सबको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप 2014 के पहले का भारत देखो और 2014 के बाद का भारत देखो। 2014 से पहले कैसा भारत था? 2014 से पहले भारत था जिसका नाम भ्रष्टाचारी देशों में सम्मिलित था। हम एक भ्रष्टाचारी देश कहलाते थे। हर दिन एक नया स्कैंडल, एक नया स्कैम, एक नया स्कैम। पनडुब्बी खरीदो तो घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदो तो घोटाला, गन खरीदो तो घोटाला, एरोप्लेन खरीदो तो घोटाला। ये आकाश में जो किरणों के माध्यम से ये 4G, 5G, 3G चलता है, इसमें भी घोटाला, खरीद में घोटाला, लोहे में घोटाला, कोयले में घोटाला। यानी यूपीए की सरकार ने 2014 में ना जमीन छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, तीनों जगह भ्रष्टाचार ही किया। ये यूपीए की सरकार हमको देखने को मिली। गरीब लोग जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर गरीब लोग, कौन? रिक्शा वाला, फेरी वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला, कूड़े दान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हेल्थ कवरेज देने का काम, स्वास्थ्य के गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए देने का काम किया। तो बहुत आज कम से कम 80 करोड़ रुपए का इस तरीके से लोगों की राहत मिली है, वह भी हमको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं सुनना चाहता हूं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मित्रों, ये गरीब कल्याण अन्न योजना सिर्फ गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं है, इसके कारण भारत की गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई और अभी गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और हम नहीं बोल रहे, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को,